वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। दिस इज़ गोइंग टू बी योर सोशल साइंस क्लास। द टूडेज क्लास टॉपिक इज लिविंग टूगेदर। द फोकस इज रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूडेज क्लास इज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग टूगेदर। बच्चों, जैसे आप लोग इकट्ठे रहते हो एक फैमिली में, तो उसकी क्या अहमियत है। आप लोग आज इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में, इस इकट्ठे रहने के बारे में सीखेंगे। जैसे एक फैमिली इकट्ठी रहती है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स, this is your lesson number 6. Write down the date. It's May 6, 2020. Date, Wednesday. WED, wednesness, wednesday, day, wednesday. लिविंग टुगेदर मीन्स टू लिव इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी एक ऐसी, लाइक इकट्ठे रहना और ग्रुप्स के फॉर्म में रहना, जैसे फैमिलीज रहती हैं। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम जो हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं या हम जो खुद हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक मुआशरे का हिस्सा हैं। वी लिव टुगेदर, हम इकट्ठे रहते हैं। वी लर्न फ्राम ईच अदर्स। To live in a civilized society, we learn, हम सीखते हैं, from each other, एक दूसरे से। To live in a civilized society, एक तहजीब याफ्ता society, एक अच्छे मुआशरे में कैसे रहना है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। Family is a basic lesson of society. Family, एक ख़ानदान जो होता है वो एक बुनियाद होता है एक मुआशरे की, एक society की। Family plays a significant role in human life. Family, एक ख़ानदान बहुत ज़्यादा important role play करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है एक इंसान की ज़िंदगी में। A family is like a tree. एक जो ख़ानदान है वो एक दरख्त की मानद होता है, एक दरख्त की तरह होता है। उसको एक फैमिली को सिम्बलाइज किया जाता है एक ट्री के साथ। There are many stems in the tree. एक दरख्त में कितनी ज़्यादा शाखें होती हैं, इसी तरह इसको सिम्बलाइज किया जा रहा है कि एक एक फैमिली है वो एक दरख्त की मानद है और उसकी बहुत सारी शाखें हैं। Same as in human life, जैसे कि इंसानी ज़िंदगी में होता है। There are so many relations in a family, such as, बहुत सारे relations होते हैं एक ख़ानदान के अंदर, मतलब एक फैमिली में बहुत ज़्यादा हर किस्म के और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं, रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। जैसे आप ले लें, पेरेंट्स हैं, वालदैन, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन कज़न्स, वाइफ, बीवी एंड चिल्ड्रन और बच्चे। लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं। जब ये तमाम लोग इकट्ठे रहते हैं तो एक ख़ानदान की शक्ल इख्तियार करते हैं, एक फैमिली की शक्ल इख्तियार करते हैं। फैमिली मेम्बर्स शेयर ऑल थिंग्स। फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं। एंड इक्वल पार्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द फैमिली। एक ख़ानदान की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। अ रियल फैमिली मेक्स अ गुड कम्युनिटी। एक जो रियल फैमिली होती है, एक ख़ानदान होता है, वो एक अच्छी कम्युनिटी बनाता है। एंड अ गुड कम्युनिटी मेक्स अ गुड सोसाइटी। और जो गुड कम्युनिटी, लाइक अच्छी एक अगर कम्युनिटी बनी हुई होगी तो एक अच्छा माशरा तख्लीक होगा, एक अच्छे माशरे माशरा बनेगा। एंड अ गुड सोसाइटी मेक्स अ गुड कंट्री। और अगर अच्छा माशरा होगा तो अच्छा माशरा एक अच्छे मुल्क की वजह बनेगा, मतलब उस एक अच्छा मुल्क बनाएगा, उसमें अपना किरदार अदा करेगा। पीपल लिविंग इन अ फैमिली आर हैप्पियर देन पीपल हु आर लिविंग अलोन। वो लोग जो एक फैमिली में
एक खानदान में रह रहे होते हैं वो खुश होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के मुकाबले में जो कि अकेले रह रहे होते हैं विदाउट देयर फैमिलीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेसन एंड द टूडेज डायरी इज यू हैव टू रीड दैट पेज विच आई हैव एक्सप्लेन, जो अभी मैंने आपको पेज लेसन नंबर 6 का एक्सप्लेन किया है, आपने उसकी रीडिंग करनी है। और आपके टास्क क्या है, आज का टास्क ये होगा कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और एक ट्री बनाना है, एक अच्छा सा कलरफुल सा। नीचे आपने क्या लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं, लाइक आपके घर में जैसे दादा दादी मौजूद हैं, आपने सबसे पहले उनकी पिक्चर लेनी है। अगर पिक्चर नहीं है तो आप जस्ट उनके नेम लिखते हैं, बट अगर आप पिक्चर कलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आ सकेंगे आपको, एक चीज़ ज़्यादा उसकी अच्छी अपीयरेंस होगी। फिर फर्दर उनके कितने सन्स हैं और उनकी पिक्चर्स लगाएं, आपके फादर जो हैं वो उनके उनकी जो है वो कनेक्शन करें अपनी मदर के साथ। फिर देन फर्दर हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स यू हैव, उनकी पिक्चर्स लगाएं, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट जो भी जिस तरह से भी आप लोग अरेंज कर सकें, नीचे अपने नेम्स लिखें, प्लस इसको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में आपने सबमिट कराना है। थैंक यू सो मच।